हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2023 मेजर सेकंड पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है और इसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ये पेपर 70 मार्क्स का हुआ है। 25 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे और इसमें भी 3 सेक्शन है हर पेपर की तरह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सेक्शन नंबर ए जो होता है आपका 6 मार्क्स का। टोटल ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि सही विकल्प का चयन करना है आपको। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 7 या 8, जो भी आंसर हो उसका आपको लगाना है। निम्न में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है, समाचार पत्र मराठा, समाचार पत्र केसरी, समाचार पत्र सुधारक या गणपति जो उत्सव। जवाहरलाल नेहरू के किस अखबार की शुरुआत की थी, न्यू इंडिया, नेशनल हेराल्ड्स, ए और बी दोनों, या न तो ए और न ही बी। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के आंसर देना है। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का, 32 मार्क्स का पूरा ये सेक्शन से। मनु को भारतीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, समझाइए। राजा राम मोहन राय के सार्वजनिक विचारों का उल्लेख कीजिए। गांधीवाद क्या है, क्या महात्मा गांधी एक राजनीतिक विचारक या विचारक है, विवेचना कीजिए। एम एन राय द्वारा प्रतिपादित नव मानवतावादी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पंडिता रामाबाई पर टिप्पणी लिखिए। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर सी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 32 मार्क्स का ये भी सेक्शन है। और गाइस, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपके, आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और आपका एग्जाम होने के बाद में गाइस पेपर भेजना ना भूलें। और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते, चाहे DAVV हो, BHU हो, या फिर अगर आप बोर्ड से पेपर कर रहे हो, या कोई से भी जो यूनिवर्सिटी से आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल थिंकर, तो ये क्वेश्चन करके ज़रूर जाइएगा। आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। और आप उसके लिए पुराने कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बाल गंगाधर तिलक राजनीति में क्रांतिकारी किंतु सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में दार थे, इस कथन की समीक्षा करो। भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बताइए। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विशेष संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। सावित्रीबाई फुले पर निबंध लिखिए। तो देखा गाइस आपने किस टाइप से जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।